अंकिता लोखंडे ने नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने छोड़ा था अंकिता लोखंडे को। जी हाँ, ये बात रिवील की है रश्मि देसाई ने। और क्या कुछ बातें कही हैं और क्यों ये बातें कही हैं वो भी आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि अंकिता लोखंडे को कल शिबानी धांडेकर ने 2 सेकंड्स फेम छीनने का इल्जाम लगाया था अंकिता पर, और उसके वजह से पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो अंकिता के सपोर्ट में आ खड़ी हुई। और अब मैं आपको बता दूं कि रश्मि देसाई जो कि अंकिता की काफी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। जी हाँ, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सटेंडेड सपोर्ट किया है अंकिता लोखंडे को। और यहाँ पर रश्मि ने बहुत सारी बातें लिखी अंकिता को लेकर। उन्होंने कहा कि अंकिता हैज ऑलवेज बीन देयर विद सुशांत, और 2 सेकंड्स फेम की बात मत कीजिए। जब सुशांत सिंह राजपूत सेलिब्रिटी था भी नहीं या बॉलीवुड स्टार नहीं था, उस वक्त भी अंकिता जो है वो एक बहुत बड़ी स्टार थी। और 7 साल तक टेलीविजन इंडस्ट्री पर राज किया है अंकिता लोखंडे ने अर्चना के कैरेक्टर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के डेट में वो बॉलीवुड में भी अपना नाम बना रही हैं। सो फेम की ज़रूरत अंकिता को नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके साथ साथ रश्मि देसाई ने ये भी लिखा कि इस वक्त जो भी चीज़ें हो रही है, मैं किसी का भी फेवर नहीं कर रही हूँ और किसी के भी अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, मैं बार बार कहूँगी कि जिस तरीके से बार बार अंकिता का नाम लिया जा रहा है, अंकिता सुशांत को तब से जानती है जब सुशांत अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे। सो अंकिता डजंट नीड फेम फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत नॉट बींग एनी मोर। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ा रेवलेशन जो था वो ये था कि इट वॉज नॉट अंकिता जिसने ये रिलेशनशिप खत्म किया, इट वॉज सुशांत जिसने ये डिसाइड किया कि मुझे ये रिलेशन खत्म करना है, जो भी रीजन्स हो, पर्सनल रीजन्स। और उसके बाद लगातार अंकिता को स्लैम करना कहाँ की समझदारी है। सो इस तरह से कई बड़ी बड़ी बातें रश्मि देसाई ने लिखी, और इस लेटर में लगातार इस बात का सामना ज़रूर हो रहा है कि रश्मि कितना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हैं अंकिता लोखंडे को। अब क्या कुछ आपकी राय है इस पर, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।